नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल अतुल में। तो दोस्तों, जैसा कि टाइटल और थंबनेल के आप समझ ही होंगे, आज की वीडियो मेरी किस पर होने वाली है। दोस्तों, कभी ना कभी आपके सामने भी इस टाइप की समस्या आई होगी, जैसे आप अभी सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की समस्या दोस्तों जो क्यों आती है और इससे आपका कैसा सोल्यूशन निकालेंगे आप, उसको इस किस ऐप की वजह से आती, तो आज मैं इस पूरी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल पर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में दबाइएगा बेल आइकन भी। तो दोस्तों, ये समस्या जो अगर आप कभी कॉल करते हैं तो कॉल करते समय ये समस्या आपको कभी देखने को मिल सकती है। तो इस समस्या का दोस्तों सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, तो आज मैं इस पूरी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये समस्या दोस्तों ट्रू कॉलर से आती है। अगर आप भी ट्रू कॉलर को यूज करते हैं दोस्तों, ट्रू कॉलर में इस टाइप की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और आपका जो नॉर्मल जब आप कॉल करते हैं तो वो उस टाइप का विंडो ना आके ट्रू कॉलर का उसमें विंडो आने लगता है। तो दोस्तों, इसको आप बड़े इजीली तरीके से इसे सही कर सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन पर, वहीं से आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने जो ट्रू कॉलर है उस ट्रू कॉलर की सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। तो आप ट्रू कॉलर की सेटिंग्स को चेंज करेंगे और आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रू कॉलर में जब आप कॉल करते हैं तो कॉल करते समय आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की विंडो आती है। तो दोस्तों, ये नॉर्मल आप जब कॉल करते हैं तो इस टाइप की विंडो आने लगती है और आप उसको देख के परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसको चेंज करने के लिए आप ट्रू कॉलर ऐप को खोलेंगे और यहाँ पर मैं ट्रू कॉलर के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको लेके चलूँगा मैं सेटिंग्स के अंदर। तो दोस्तों, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है कॉलर आईडी में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉलर आईडी, तो बस यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन की जगह आपको क्लासिक पॉपअप पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है और बैक करके अब आप कॉल को लगा के देख सकते हैं कि अब आपकी विंडो दोस्तों फुल नहीं आएगी और आपकी जो मोबाइल की विंडो है वही आने वाली है, शॉर्ट में पॉपअप आने लगेगा। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कीजिएगा अभी लाइक, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में डालिएगा बेल आइकन भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।